एक मैडम की रिक्वेस्ट थी कि सिंपल सा स्टैट्स समझा दीजिए। देखिए मेरी औकात नहीं है, मैं मास्टर नहीं हूँ स्टैट्स का, लेकिन कोशिश करता हूँ। एक बात है कि स्टैट्स को समझना है तो रिसर्च के बिना नहीं समझ सकते। मेरी अप्रोच वैसे भी इंटीग्रेटेड होती है कि जो एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड है उसको जोड़ के समझा जाए, तो रिसर्च के बिना स्टैट्स को समझा मेरे हिसाब से अच्छी तरह से नहीं जा सकता। रिसर्च क्या है? एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। देखिए जो भी स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, मेरी फोकस ये रहेगा कि आपका यूजीसी नेट में जहां आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप जहां इक्वलेंट ऐसा कोई भी एग्जाम है उससे पिन पॉइंट वो एमसीक्यू की स्टेम बनती होगी, जहां उसका डिस्ट्रक्टर, जहां उसकी की, जहां उसका अल्टरनेटिव बनता होगा, वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रिसर्च क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक, इट मीन्स देयर आर अदर मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो वो मैंने किसी और वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, एम्पिरिकल मेथड है, इंट्यूशन है, एटसेट्रा। तो रिसर्च जो है या साइंटिफिक मेथड है वो सिस्टेमेटिक है, ये दूसरा आंसर बन गया। डिस्कवरी इन्वेंशन सॉरी डिस्कवरी जो है वो अनसिस्टेमेटिक होती है। सिस्टेमेटिक क्या होता है उसको समझ लीजिए, साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसको समझ लीजिए। साइंटिफिक मेथड समझ आ गया आपको, 95% रिसर्च भी समझ आ गई। सिस्टेमेटिक है कि डेफिनेट स्टेप्स हैं, यहां वो लीनियर प्रोसेस में डिफाइन दिखाई देंगे। वैसे आपको पूछा जाएगा रिसर्च लीनियर प्रोसेस है या साइक्लिक या सर्कुलर प्रोसेस है, तो वहां आंसर सर्कुलर होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो जहां जो जब ये स्टेप ये करते हैं ये आपको लीनियर फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन सर्कुलर कैसे है कि एंड पॉइंट से फिर नई प्रॉब्लम कई जनरेट होती है, नई प्रॉब्लम से फिर ये स्टेप शुरू हो जाते हैं, वहां ये सर्कुलर हो गई। तो सिस्टमेटिक क्या हुआ कि रिजिडली ऑर्डरली ये स्टेप्स जो हैं, 5 स्टेप्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं, ये साइंटिफिक मेथड में फॉलो करने ही पड़ते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम, सेकंड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, थर्ड डाटा कलेक्शन, देन डाटा एनालिसिस, देन कंक्लूजन और टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये वेरी इजी है। तो प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल जो है प्रॉब्लम है। अब वेरिएबल क्या है? कोई भी ऐसा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स इस ब्रह्मांड में, अब देखिए पूरी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में इतनी हर चीज की, स्टोन्स की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एनिमल की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन में आप स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन, टीचर की पॉपुलेशन, टीचर की पॉपुलेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पॉपुलेशन, चलो आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इतनी पॉपुलेशंस हैं, इतनी पॉपुलेशंस को के क्लब को यूनिवर्स कहते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपकी डिफाइंड पॉपुलेशन होगी, आप उसको डिफाइन करते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि उस पॉपुलेशन में जो वेरिएबल हैं उनको आप स्टडी करते हो। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जो चेंज होता रहता है, जो चेंज नहीं होता कभी, वैसे का वैसा ही रहता है हर वक्त, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, प्लेस के साथ चेंज नहीं होता, तो वो कॉन्स्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या जेंडर इज वेरिएबल? आप देखिए कि आपकी पॉपुलेशन जो भी है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट हमारी पॉपुलेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर्स टीचिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ पंजाब, ये लगा लेते हैं। ठीक, तो क्या सारे मेल हैं? अगर सारे मेल है तो यहां कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा भाई, वेरिएबल को कॉन्स्टेंट कर सकते हो, कॉन्स्टेंट को आप वेरिएबल नहीं कर सकते। मतलब के फॉर एग्जाम्पल आपने मेल और फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप अकेले मेल को स्टडी कर रहे हो, जहां अकेले फीमेल को स्टडी कर रहे हो, तो आपने जेंडर को कॉन्स्टेंट बना लिया, वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना लिया। ये इंफॉर्मेशन आपके एमसीक्यू में काम आनी है। अच्छा, अब ये बात समझ लीजिए कि क्योंकि जेंडर सभी एक नहीं है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर भी है। वैसे कनाडा में 31st जेंडर है, ये बातें यहां नहीं करनी चाहिए अभी। तो वैसे जो जेंडर है कंटिन्यूम वेरिएबल है,
लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन यहाँ वर्ड सेक्स आना चाहिए, क्योंकि सेक्स जो है वो मेल और फीमेल ही होता है, वहां वो क्लासिफिकेशन हो चुकी है। ये आपने कैसे क्या यूज करना है, ये बात की बात है। ये बात है कि सभी का सेक्स या जेंडर सेम नहीं है, दैट इज वाई इट इज वेरिएबल। स्टेटिस्टिकली वेरिएबल क्या होता है, जिसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक, ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, हर वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो उसके लेवल्स होंगे। यहां लेवल्स क्या है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या इनकम, हाई इनकम या हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एवरेज लो, ये इसके लेवल्स हो गए। इट मीन्स हर वेरिएबल के कम से कम दो लेवल्स होंगे, टू लेवल्स होंगे, दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं वगैरह। योगा, हाँ योगा कुछ लोग करते हैं, डूअर हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे वेरिएबल को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब आप चेंज करवा, एक्सरसाइज योगा की करवा भी सकते हो एक महीने के लिए, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गए कि वेरिएबल क्या है। अच्छा, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है। ये देखिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल आपको फॉर एग्जांपल स्कोर ऑन स्ट्रेस इन्वेंट्री और स्केल, ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल या स्कोर, मान लीजिए ये मैंने छोटा छोटा सा रखा है, आपने 10 जनों पर ये टेस्ट लगाया तो आपका ये स्कोर आ गया। सभी का स्कोर सेम आया? नहीं, सेम नहीं आया। इट मीन्स ये वेरिएबल है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी वेरिएबल है, स्ट्रेस भी वेरिएबल है, लेकिन स्कोर किस पर आया है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक, कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको कहते हैं, कि जिसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड, तो जिसको जिसकी वैल्यू होल नंबर में ही आती है वो डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, आप नहीं कह सकते कि मेरे 4.5 फैमिली मेंबर हैं। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में जी 25 बच्चे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने वेरिएबल को समझ लिया है, वापस जाके समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या देखना है, आपने वेरिएबल ही आइडेंटिफाई करने हैं या सिलेक्ट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन है या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है। नहीं, ऑलवेज आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स हैं, डिफरेंस है, वो जब डिफरेंट में से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कुछ नैरो डाउन करते हो उनको, तो वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, उनमें से फिर आप एक सिलेक्ट कर लेते हो। इट मींस सिलेक्शन भी उसका एक प्रोसीजर है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आप अपने डिफाइन करते हो रिसर्च क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को, ऑपरेशनल वेरिएबल को। ऑपरेशनल क्या होता है, जब आप मैयर बताते हो कि किस टूल या इंस्ट्रूमेंट से इस वेरिएबल को मैयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस को किस बार ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री से मेजर किया जाएगा, ये ऑपरेशनल हो गया। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि ये आइडेंटिफाई कीजिए ऑपरेशनल डेफिनेशन कौन सी, ऑपरेशनल वेरिएबल कौन सा है, ऑपरेशनल कोई भी ऐसा, तो आपने देखना है टूल किसमें दिया गया है स्पेसिफिक। ठीक, तो वो टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसमें दिया गया है वो ऑपरेशनल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला काम है, अगर स्टैट्स को समझना है हमने, तो हमें रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए। हमने इजीली ये देखा है, फॉर एग्जांपल आप कितने रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, इन सिंपल आप अगर क्या चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब उन्होंने सिलेक्शन टेस्ट देना था या देने के बाद या देने से एक महीना पहले जब एडवर्टाइजमेंट आई, चलो वैसे ही लगा लो कि दोनों में स्ट्रेस स्कोर इक्वल है, दोनों में बराबर है, क्या उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल इक्वल है, ये दो प्रॉब्लम होगी जब ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अच्छा, योगा जो करते हैं या योगा नहीं करते उनका स्ट्रेस लेवल इक्वल है या डिफरेंट है, योगा जो करते हैं या नहीं करते उनका ईक्यू स्कोर डिफरेंट है। अच्छा, हाई सोशो एवरेज और लो सोशो इकोनॉमिक की स्ट्रेस, ये आप इन पर इनका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस अगर देखना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऑब्जेक्टिव नंबर एक, ये ऑब्जेक्टिव नंबर दो, ऑब्जेक्टिव नंबर तीन, ऑब्जेक्टिव नंबर चार, ऑब्जेक्टिव नंबर पांच, ऑब्जेक्टिव नंबर छह।
यहाँ सारे लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में जाके आपने जब स्टैट्स की इन्फ्रेंशियल स्टैट्स समझना है तो इन्हीं को यूज करेंगे, जब टू वे अनोवा, थ्री वे अनोवा, वन वे अनोवा, टी टेस्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टी टेस्ट समझेंगे। पर इतना टाइम नहीं है, जल्दी में हमने करना है। तो ये हो गए वेरिएबल, ये हो गए लेवल, और डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब अगर ये आपने देखना है कि आप यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन स्ट्रेस, इट मींस ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट, इसको कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, ये नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज वेरिएबल, और इसको इफेक्ट वेरिएबल, इसको स्टिमुलस वेरिएबल, और इसको रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज होता है। सर्वे रिसर्च में जहां मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, वहां प्रेडिक्टर वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल इसका नाम हो जाता है। ये चार इंफॉर्मेशन आपको दी दिया, आप नोट करके इजिली यूज कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो योगा का इस पर इफेक्ट, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब ये जरूरी है, आपके सामने मैंने ये नंबर क्यों लिखी है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है रिसर्च में वो कंटिन्यूअस वेरिएबल चाहिए, ये बात याद रखनी है, ठीक, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक। आगे चलते हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम में क्या क्या शामिल है, ठीक। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपने हाइपोथेसिस बना लिए, उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हाइपोथेसिस क्या बनाएं, वापस चल के देखते हैं कि हमने बना लिया हाइपोथेसिस, यहां रबड़ होगी, इसको रब करेंगे, यस, ठीक। हाइपोथेसिस क्या बनाया कि मेल और फीमेल की स्ट्रेस लेवल जो है वो इक्वल होगा, इक्वल होगा। जब आपने इक्वल कह दिया, ये बन गया नल हाइपोथेसिस, नल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस बन गया, और इसको आप स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, चलो ये अभी यहां नहीं करना, ये डिफरेंट बाद में करेंगे। नल फॉर्म बना लिया, नल फॉर्म के उल्ट होता है डायरेक्शनल फॉर्म, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल फॉर्म। इन दोनों को समझना जरूरी है, अगर दोनों को इक्वल समझते हो, कहते हो कि नो डिफरेंस, यहां ब्रेक करके लिखेंगे नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिगार्डिंग स्ट्रेस, तो ये नल हो गया। अगर आप कहते हो कि मेल, मेल की स्ट्रेस फीमेल से कम है, तो अब आपका, सॉरी, तो ये आपका हो गया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शन दी जा रही है, एक ग्रुप को ऊपर या दूसरे को नीचा, स्कोर जो उसका है माना जा रहा है, उनको इक्वल नहीं माना जा रहा है, इतनी इतनी बात है। तो इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। जब ये रिजेक्ट हो जाता है, ये एक्सेप्ट होता है, जब ये एक्सेप्ट होता है, ये रिजेक्ट होता है। ये बात डिफरेंट है कि एक्सेप्ट शब्द सैंपल में या स्टैट्स में नहीं यूज करना होता, लेकिन कई पेपर सेटर है ऐसे ही डालते हैं। चलो, अब आपके हाइपोथेसिस हो गए सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के बाद आपने आ गए डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कैसे करने करना है, हमने डाटा कलेक्शन हमने कुछ टेस्ट स्केल वगैरह यूज करके अप्लाई करके करना है। डाटा अब आ गया, डाटा दो तरह का है, ठीक। एक डाटा वो है जो आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स में मिल रहा है, दूसरा है लैंग्वेज में मिल रहा है, विजुअल्स में मिल रहा है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जिसकी मिल रही है। जैसे कोई शख्स कहता है आई कैनॉट टॉलरेट द स्ट्रेस ड्यूरिंग, वेल, बोल बोल के वो इंटरव्यू जब आप ले रहे हो तो वो आप बोल बोल के आपको बता रहा है, ऐसा सारा डाटा क्वालिटेटिव डाटा होता है। ये डाटा किससे कलेक्ट होता है, इंटरव्यू से कलेक्ट हुआ डाटा क्वालिटेटिव होगा, ऑब्जर्वेशन से क्वालिटेटिव होगा। डॉक्यूमेंट कोई स्टडी करते हो, बच्चों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लेसन प्लान आप देखते हो, ठीक है, कोई उनके रिलेटेड टेक्स्ट जो उन्होंने डायरी लिखी है, जर्नल लिखे हैं,
अपना जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो एनालिसिस करते हो, तो वो सारा क्वालिटेटिव हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च, लैंग्वेज की रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च में डाटा मोस्टली क्वालिटेटिव होता है। जो सर्वे है, जो कोरिलेशन रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इनमें क्वांटिटेटिव डाटा डोमिनेट करता है। क्वांटिटेटिव डाटा क्या है कि ये नंबर्स में होगा। तो यहाँ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एनालिसिस होता है। यहाँ टूल्स कौन से हैं, टेस्ट हैं, स्केल हैं, इन्वेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये सारे जो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा देते हैं। दैट इज व्हाई ये रिसर्च भी दो तरह डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा की जा सकती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, जिसका डाटा है उसके नेचर पर उसको क्वालिटेटिव कह, क्वांटिटेटिव इसको कह दिया, इसको क्वालिटेटिव कह दिया। कोई किसी रिसर्च में आप इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी आप और क्लियर करना चाहते हो कि या जो मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है क्या वो सही है, अच्छा मैं उस पर इंटरव्यू भी कर लेता हूं और मेथड भी, उसी इंफॉर्मेशन को असेस करना है आपने, तो वो ट्राइंगुलाइजेशन जैसे हो जाता है, तो वो मिक्स मेथड अप्रोच होगी। क्वालिटेटिव भी है डाटा, क्वांटिटेटिव भी है। तो डाटे के अनुसार बेस पर रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड हो गई। तो हमने स्टैट्स करना है जहां पर आपके पास डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, स्टैट्स वहां अप्लाई होगा, हमने स्टैट्स की तरफ जाना है। तो वो डाटा क्वांटिटेटिव हो गया, वहां मेजरमेंट होगी, ठीक है, और नंबर सिस्टम होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, अच्छा यहां मेजरमेंट होगी, वो चार स्केल्स हैं, एक, दो, तीन, चार। ओके, ये चार स्केल्स हैं। रेशो स्केल हाईएस्ट स्केल है, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ये हाईएस्ट स्केल है, क्योंकि जो इनकी ट्रू, ये अलग से वीडियो बनाया है वो देख लीजिए। इंटरवल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, ठीक है। मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा रेशो, इंटरवल या ऑर्डिनल में होता है। स्टैट्स जब अप्लाई होना है तो एक अजम्पशन बार बार हर टी टेस्ट की, अनोवा की, अनकोवा की होती है। तो ये कहा जाता है कि जब इन्फ्रेंशियल स्टैट पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में कंडीशंस होती हैं, उनमें एक कंडीशन होती है कि मिनिमम जो है इंटरवल स्केल पर डाटा हो। याद रखना है, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, सोशल साइंसेज में मोस्टली डाटा इंटरवल स्केल पर होता है। जो ये डाटा है इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस का ले रहे हैं, ये इंटरवल स्केल पर है, ठीक। तो आप इंटरवल स्केल को ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरवल स्केल को नॉमिनल में कर सकते हो, लेकिन नॉमिनल को ऑर्डिनल में नहीं कर सकते, नॉमिनल को इंटरवल में नहीं कर सकते, नॉमिनल को रेशो में नहीं कर सकते। इट मींस अगर आपके पास रेशो स्केल में डाटा है, ठीक, तो आप, आपके लिए बेस्ट है, उस पर कोई भी एनालिसिस की टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई के डाटा दो तरह का है, वो कलेक्ट कैसे, इन टूल से करना है, और वो उसका जो इसका, इसका एनालिसिस जो है डिफरेंट तरह से होता है, जैसे कंटेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, और इसका एनालिसिस जो होता है वो स्टैटिस्टिकल होता है। तो यहां हम पहुंच गए हैं कि स्टैट्स क्या होता है, कहां होता है, ठीक। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये डाटा कलेक्शन, मान लीजिए आपने कर लिया है। डाटा कलेक्शन में क्या किया आपने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन पर स्ट्रेस इन्वेंट्री लगा दी, जो स्केल लगा दिया, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ है, सभी लेके ऑब्जेक्टिव चलेंगे, वो लगा दिया, उनके आपके पास स्कोर आ गए, ठीक। स्कोर आने के बाद आपने उनको जो है अरेंज करना शुरू कर दिया, अब स्टैट्स का काम शुरू हो गया। अब स्टैट्स को समझ लें कि स्टैट्स के साथ जो टर्म है वो पैरामीटर है, और ये दोनों रिलेटेड है पॉपुलेशन और सैंपल से। पॉपुलेशन की पहले बात कर चुके हैं कि जिस किस आप जिस जो पॉपुलेशन के वो सभी यूनिट्स,
सभी यूनिट्स किसके? अब असिस्टेंट प्रोफेसर किसके? पंजाब के। कौन से? गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीच करने वाले। वो सारे जो उनमें आप इंटरेस्ट रखते हो, उनकी स्ट्रेस और जहाँ ईक्यू, जहाँ उनके जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये वेरिएबल, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, तो पॉपुलेशन आपने एक लिस्ट बना ली। कितने जने? मान लीजिए 1000 जने हैं। ये 1000 जनों की जो लिस्ट आपके सामने आई है, नंबर आ गया, टोटल नंबर ये आ गया, उसमें आपने लिखा है कौन मेल है, कौन फीमेल है, किसका हायर स्टेटस है, किसकी इनकम लो है, हाई है, वो साथ में लिखा हुआ है। ये जो लिस्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रेम। तो ये मान लीजिए ये आपके सामने ये करते हैं ऐसे, एक मिनट। तो ये मान लीजिए ये सारे जो डॉट मैंने लगा दिए हैं, ये हैं, ये पॉपुलेशन है पंजाब की असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक। ये 1000 जाने हो गए। अब 1000 जाने को आप स्टडी जहां अगर कर सकते हो कर लो, वो सेंसस हो गई। अगर आपने 1000 जाने को स्टडी करके सभी पर लगा लिया स्ट्रेस स्कोर, लगाया ऑब्टेन किया ईक्यू स्कोर, ऑब्टेन किया, तो उसकी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए ले ली, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी? फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेस का मीन स्कोर निकाल लिया, मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 10 लगा लेते, 10 है, ठीक है। तो ये वैल्यू पैरामेट्रिक है, पैरामीटर है सॉरी। तो उसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है, तो वो मान लीजिए वो है 2 मान लीजिए। तो ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहेगा, ये पैरामीटर है इसकी वैल्यू। और जनरली क्योंकि ये मैंने लिमिटेड पॉपुलेशन ली है, जनरली मोस्टली इसकी जो वैल्यूज हैं, पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिसको पैरामीटर्स बोलते हैं, वो अननोन होते हैं। आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि पैरामीटर जहां पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं और मोस्टली अननोन होती हैं, और इसको ट्रू वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से मान लीजिए आपने 10, छोटा सैंपल इसलिए लेंगे कि उसको समझना है। मान लीजिए आपने 5 का सैंपल उठाया है यहां से, ये 5 इसलिए ले रहा हूं, बहुत स्मॉल सैंपल है, हमने आगे जाके समझना है। आपने कहा था कि इजी वे से सब समझाओ, 5 का ये ले लिया, कितने सैंपल निकाल सकते हैं? इतने जितने मर्जी सैंपल आप निकालो, जितने मर्जी सैंपल निकालो, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, है ना, 100-100 का सैंपल बेशक उठाओ। अब आपको लगता है कि इस सैंपल की, ये सैंपल हो गया ना, इस सैंपल की जो स्ट्रेस स्कोर का मीन स्कोर होगा वो इससे मैच करता होगा, 10 ही आएगा, नहीं वो 9 भी आ सकता है। अच्छा, इस सैंपल का, सैंपल ए ये हो गया, ठीक है, सैंपल बी, क्या सैंपल बी का 9 ही आएगा या 10 ही आएगा? नहीं, वो 8 भी आ सकता है। मान लीजिए यहां लिख दिया दूसरे सैंपल का 8 आ गया। अच्छा, सैंपल सी क्या इसका भी सेम आएगा? नहीं, उसका 11 भी आ सकता है, या 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो इट मींस सैंपल की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ये है स्टैटिस्टिक, यहां तक अभी हमने पहुंचे हैं, तो ये वेरी करती है, पॉपुलेशन वैल्यू वेरी नहीं करती, वो फिक्स होती है, ये नोन है हमें। हमने 10 जनों को, 20 जनों को, 100 जनों पर लगाया और ये हमने कैलकुलेट कर लिया उसका मीन स्कोर क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो लेकिन जो इसकी अननोन है, इसकी नोन है, तो एक तरीका यह भी होता है कि पॉपुलेशन वैल्यू तक कैसे पहुंचा जा सके, जिसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। वो कहते, मान लीजिए आपने 10 सैंपल निकाले, एक का मीन स्कोर आया 9, किसी का 8, किसी का 11, किसी का 12, ये 10 डिजिट्स आपके पास आई, आप इन डिजिट्स का मीन स्कोर निकाल लीजिए, उसको आप पॉपुलेशन मीन स्कोर भी मान सकते हो, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान सकते हो। तो ये रही हमारी के हम जो स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट है वो सैंपल
से रिलेटेड है। सैंपल का काम क्या है, सैंपल हमें टाइम एनर्जी बचाते हैं, तो अल्टीमेटली लेकिन हमने पहुंचना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पर है, पैरामीटर पैरामीटर पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, हमने इन पर टूल अप्लाई किए, इनकी स्कोरिंग की, इनका मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का 5 जनों का 10 जनों का निकाला, और जो फाइंडिंग्स आई उस पर टी टेस्ट जो भी कैलकुलेशन की, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को हम फिर अप्लाई उस पर करते हैं। ठीक, स्टैट्स हमें क्यों जरूरी है, स्टैट्स अगर फॉर एग्जांपल मेल वो कहता है कि मेल का जो स्ट्रेस स्कोर है वो 9 है, ठीक है, और फीमेल का 11 है, स्टैट्स ये बताता है, इसलिए लगाना है। हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता दोनों में डिफरेंस है मीन स्कोर में, पर स्टैट्स इसलिए जरूरी है कि भाई ये जो डिफरेंस दिखाई देता है ये बाय चांस तो नहीं है, ड्यू टू सैंपलिंग एरर या मेयरिंग एरर तो नहीं है, जिसको बोलते हम सिग्निफिकेंट है। स्टैट्स ने ये बताना है कि ये डिफरेंस ड्यू टू चांस फैक्टर तो नहीं है, कि उसके बियॉन्ड है, मतलब रियल है, मतलब सिग्निफिकेंट है, दैट इज वाई, अदरवाइज तो दिखाई देता है। वो कैसे होता है, वो जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएबिलिटी, अभी जाके आगे जाके पढ़ते हैं, वेरिएबिलिटी के हिसाब से ये एरर की कैलकुलेशन होती है, प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है उसके बेस पर जो एरर कैलकुलेशन होती है, और कोई भी स्टैट्स की टेक्निक आगे जाके डिफरेंस की है, कोरिलेशन की है, वो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो एरर ही होता है। तो यहाँ तक आपका हो गया कि स्टैट्स होता क्या है, सॉरी।